और पंजाबी में मेरी वादा कहा करती थी, बकरी अपनी जान तो गई थे खान अनिल स्वाद ना आया। बकरी ने मुझे बड़ा दुख हुआ जगारी साहब की बातों के ऊपर कि यहाँ इस मुल्क का तिया पांचा हो गया, सत्यानाश हो गया। किसने कहा था कि सियासी जमातें ना होने देती? सियासी जमातें खड़ी होती पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए। नून का पाकिस्तान के लिए है क्या जो तुम्हें इतनी अच्छी लगती है? क्या क्रेडिट उसका इसके पास? वहां से भाई पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर पाकिस्तान तरीके साहब की तरफ से आ गए। तो अब तो समझ को नहीं आ रही क्या करना है। अब तो नवाज शरीफ जिसको आप कहते हैं कि जनाब ये मुहब्बे वतन है, इसको निकालते भी है फिर वापस ले आते हैं, निकालते भी है फिर वापस ले आते हैं। तो अब को डाउट रह गया, मुझे कहने की क्या जरूरत है? पूरी दुनिया कह रही है ये बायस है। और ये पीडीएफ यानी खास तौर पर मुस्लिम लीग नूर का सहूलत कर रहा है, चैलेंज कर रहा हूं। इसमें से 99% नॉमिनेशन पेपर अपीलेट ट्रिब्यूनल से सेट हो जाने हैं। मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल भी पीटीआई का ही है, और अगर आपका ख्याल है कि किसी और का है तो मुझे नजर नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज लाइव शो में लिफाफा खोर सहाफ़ी हसन अयूब ने जब कहा कि नवाज शरीफ ही इस मुल्क को संभाल सकता है, नवाज शरीफ के दौर में मुल्क में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। इसके बाद पीटीआई के सीनियर वकील अज़र सदीक ने फिर जो लिफाफा खोर सहाफ़ी हसन अयूब की चित्रोल की और इन दोनों के दरमियान जो तलख कलामी हुई, आए पहले इनकी वीडियो देखते हैं फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। इकट्ठे आज कौन से इलाके में जा रहे हैं? चलते हैं इकट्ठे में, पता लग जाएगा। पीएमएलआर पीएमएलआर तो बेचारा अब तक जलते चले। मुबारक हो फिर आप इलेक्शन जीत जाएं लाहौर में, और फिर जब आप जीतेंगे तो मिठाई देने के लिए मैं आऊंगा अपने भाई की खुशी से, और आपने ढोल भी बजवाना है, और मैं वहां पर जो है ना अजहर सदीक जिंदाबाद का नारा भी लगा। नून का पाकिस्तान के लिए है क्या जो तुम्हें इतनी अच्छी लगती है? क्या क्रेडिट उसका इसके पास? वहां से भाई डेवलपमेंट उन्होंने की है ना? आपने कौन सी मोटर बेस बना दी है? कौन सा एयरपोर्ट बना दिया है? कौन सी बंदरगाह बना दी है? ग्वादर पोर्ट आपने बना दिया है? कौन सा कारनामा है? क्या चीज सेल करने के लिए बताएं? प्रोग्रेस में क्या कर सकते हैं आपकी जमात की? तो बैठिए ना, वो बात करो जो हकाय के ऊपर है। मैं वो कह रहा हूँ, बताए ना आप, मैं खामोश होता हूँ, आप बताएं। आप अच्छा सदीक साहब, आप फरमाए ना क्या कर सकते हैं आपकी पार्टी की? क्या किया था आपने? दो चीजें समझनी है आपको। एक बता समझना क्या, हमें ग्राउंड रियलिटीज देख लिया कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है। साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, यानी लाहौर का जलसा किया 21 अक्टूबर को आने के बाद 10% था रेंटेड क्राउड, बाकी 10% क्राउड था बाकी सारा रेंटेड क्राउड। बताएंगे यादव सदीक साहब, पीटीआई के व्हाट डू दे हैव टू सेल? आपने मैसेज में सेल करना है ना कि ये हमने पाकिस्तान में तरक्की की है, तामीर जो है पाकिस्तान में तामीराती काम किए हैं। क्या काम किया है? या सियासत में आ जाओ, मेरी तरह आ जाओ। यूथ के लिए, यूथ के लिए क्या किया बताइए मुझे। वोट पड़ेगा वो आ जाएगा यार, इसमें परेशानी की क्या बात है? जो वोट पड़ेगा, आपने 50 लाख घर बनाने थे ना, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, मंजूर था, आपने बात का अमल किया? ओहो भाई भाई, हमने आवाम को एक एजेंडा दे दिया ना, मैनिफेस्टो दे दिया ना, वोट आवाम ने डालना, तूने तो नहीं फैसला करना ना, या आवाम देखेगी आवाम किसको वोट डालती है। पता कराने की विक्टिम कार्ड जो खेल रहे हैं वही खेलें, आपको 4 वोट मिल जाएंगे, वरना आपके पास जो बैटिंग टू सेल। हम पाकिस्तान का कार्ड खेल रहे हैं, हमें पाकिस्तान कार्ड खेल रहे हैं, मजदूरियत का कार्ड खेल रहे हैं। आप मजदूर बन जाएं, बेचारे बन जाएं, आप यही बेचारे इनको वोट डाल दें, बेचारे बन जाएं। बहुत हो गई है तबाही इस मुल्क के साथ, कर दिए थे इन सियासी जमातों ने, 16 सियासी जमातों ने तबाह कर दिया इस मुल्क को। पीडीएम ने 17 महीने में जो किया आवाम ने सारा कुछ देख लिया है। बस इलेक्शन के नतीजे को कबूल करना है आपने, ये नहीं कहना कि इलेक्शन के नतीजे हम कबूल नहीं कर रहे। आप इलेक्शन करेंगे साफ साफ, इलेक्शन 100% कबूल करेंगे आप, लेकिन ये धांधली हो रही है, फ्री पोल धांधली हो रही है, ये नहीं कबूल करते आप। फ्री पोल रिगिंग जितनी कर दिया हमें, आज तक इतनी फ्री पोल रिगिंग रही हुई है जो ये कर दी है, हम साफ साफ इलेक्शन कबूल करेंगे। चले कबूल तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कभी इस मुल्क में जो है वो शायद नहीं हुए, एक हमारी ख्वाहिश ही रह जाएगी कि वी आर होपिंग अगेंस्ट होप कि कोई इसको कबूल करे, लेकिन नजर नहीं आता जिस किस्म की वाकई बेजाबतियाँ हो रही हैं, जिस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। कबूल इस इलेक्शन को किसी ने नहीं करना, शायद हिस्ट्री के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन ये हों। इतने लोगों के जो हैं वो पेपर्स मुस्तरद हो रहे हैं, तो आज सिर्फ पीटीआई नहीं बात कर रही, आज दीगर पार्टीज और भी हैं जो बात कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा बायस किस्म का जो है वो रोल नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, हम तो कंसिस्टेंटली आज से हम बात नहीं कर रहे, हमारा हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादती है वो तो तारीख रकम चुकी है, हो चुकी है। और ये जितने रिकॉर्ड पेपर नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजा जा रहा है और पाकिस्तान का नाम लिखा जाएगा उसमें, कि इसमें इस तादाद के अंदर। अच्छा पहले देखिए इलेक्शन कमीशन का बायस रोल कहाँ से रहा है, अगर आप देखें 90 दिन के इलेक्शन, कोशाखाना का केस, प्रोबेबिलिटी फंडिंग अगर आप उठाकर देख लें, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन देख ले, इंट्रा पार्टी ले, कोई एक पार्टी बता दे जिसके अगेंस्ट
ये सारे एक्शन चल रहे हैं। अब आते हैं इनकी तरफ। अब चूंकि मैं वजह ये है, हम लोगों ने इंतजामिया से आरोप देने का बड़ा वादे तौर पर केस लेकर आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया और अल्टीमेटली वो कह दिया कि ये सब ठीक है। अब तो हमारे कही हुई बात साबित हो चुकी है। और इसमें बड़ी मजेदार बात आपको बता दूं, यानी मिसाल के तौर पर इन्होंने इश्तिहारी को कह दिया है कागजात लाजमत की मुस्तरद हो गए, किसी के बारे में कोई असेसमेंट नहीं है। मैं अब तक कोई तकरीबन 600 नॉमिनेशन पेपर दे चुका हूँ और मैं और ये चैलेंज कर रहा हूँ, इसमें से 99% नॉमिनेशन पेपर अपीलेट ट्रिब्यूनल से एक्सेप्ट हो जाने हैं। इन आरओ की ट्रेनिंग नहीं की गई, बल्कि लोग तो कह रहे हैं कि ये फैसले भी कहीं और से लिखे आए हैं। अब आते मिसाल के तौर पर मैं अपनी बात बताता हूँ कि ये जो हालात चल रहे हैं ना, जिस सिमत में चीजें चल रही हैं, उसको जरा उस एंगल से सोचना बड़ा जरूरी है। अगर आप उस एंगल से सोचेंगे तो आपको बड़ी चीजें वजह से सामने आएंगी। यानी वजह क्या है, इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर की ट्रेनिंग नहीं की। मैं 2013 से लगा हूं कि आर्टिकल 62 और 63 पे अमल दरामद करना है, तो किस तरह करना है, मैंने किस तरह करना है। यानी मैंने कहा कोई एक डेटाबेस बना ले भाई, कोई टैक्स डिफॉल्टर है, कोई लोन डिफॉल्टर है, कोई दोहरी शहरियत वाला है, किसको सजा जाता है, कोई मुश्किल काम है ये डेटाबेस बनाने के लिए? बड़ा आसान काम है। मैं कभी आपको फखर इकबाल है अपना ना इधर से विहाड़ी से, उनका मैंने एक ऑर्डर पढ़ रहा है, वो बड़ा मजेदार है। उन्होंने कहा जी एक रिपोर्ट दी है असिस्टेंट कमिश्नर ने कि ये जमीन एक कमर्शियल है, कमर्शियल पे उसने कोई लाइबिलिटी आज निकाल दी है। वो भी आज की लाइबिलिटी का ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये लाइबिलिटी तो पिछले 30 जून की लाइबिलिटी हो रही है। सरम जावेद का अभी ताजा तरीन बिल जमा नहीं हुआ, वो ताजा तरीन बिल का क्या ताल्लुक है, वो तो 30 जून की है। और इमरान खान साहब के जो वाले से बात कर रहे हैं ना, हसन हमारे भाई है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं हुआ क्या, जरा बड़ी मजेदार बात है। प्रपोजल और सेकेंडर के हवाले से बात है, 30 नवंबर को जो है ना वोटिंग लिस्ट फ्रीज हो गई। अब हमने जब और 16 दिसंबर को आ गया इलेक्शन शेड्यूल, अब इलेक्शन शेड्यूल वाले जिस दिन आया उससे पहले जो डाटा निकाल लिया वो डाटा हमारे पास आ गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बदनीति से एक आया फैसला लाहौर हाईकोर्ट से, इन्होंने इनकार किया, जिस तरह हमने इनकार किया ना उसमें इनकार करते ना उस केस के अंदर, और बाकायदा मिली भगत के साथ बैठकर मान लिया और हल्के तब्दील कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ठीक रही है उसमें, ये मैं आपको हकायक से बता रहा हूँ। और जब ये आज़ाद सिद्दीक साहब माजद के साथ मेरा ख्याल है, मैं मुझे तो ये इस बात का जो आप ये बात कर रहे हैं इसका इल्म नहीं था, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी जो है वो हमेशा चलती है, तो दिस वाज माय गेस वर्क कि ये शायद हुआ होगा, यही हुआ होगा, बिकॉज प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन सिर्फ यही। मुझे एक चीज का जरा बताइए, क्या आपको लगता है कि जिस तरह ये इतनी बड़ी तादाद में पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं, फिर ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, एक प्रोसेस लेंथी हो सकता है, इलेक्शन इससे डिले हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनको इलेक्शन में लाया जाएगा, इनको इलेक्शन लड़ाया जाएगा, इनको इलेक्शन जिताया जाएगा, और उसमें हारने वालों से मुझे कोई गर्ज नहीं है, कौन उसमें हार रहा है, कौन नहीं हार रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इनके जीतने से मुझे खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, मुझे पाकिस्तान हारता हुआ लग रहा है, क्योंकि यह पाकिस्तान के लिए कुछ डिलीवर करने वाला नहीं है। ये पॉपुलर को बनाया गया नैरेटिव बनाया गया, उस नैरेटिव ने अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, कोई बेनिफिट नहीं है। अजीज साहब क्विकली आप क्या कह रहे हैं, हसन की तरफ पर जाऊंगी जी। मैं बड़ी और पंजाबी में मेरी वालदा कहा करती थी, बकरी अपनी जान तो गई ते खान वाले स्वाद ना आया, बकरी ने अपनी जान दे दी और गोश्त खाने का स्वाद नहीं आया। मुझे बड़ा दुख हुआ आज लगारी साहब की बातों के ऊपर कि यहाँ इस मुल्क का तिया पांचा हो गया, सत्यानाश हो गया। किसने कहा था कि सियासी जमातें ना होने देती, सियासी जमातें खड़ी हो जाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो ये नहीं होना था, क्यों होने दिया इन लोगों ने? ये तो आप अंदाजा लगाए कि लाडला हरे सर, तहरीक इंसाफ तो खुद एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई थी उस वक्त, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में वो ये कहते थे कि जी हम नंबर्स के लिए उनके पास जाते थे, कहते थे नंबर्स पूरे करके दो। आप ये कह रहे हैं कि ये बहाल नहीं होंगे, दोनों मेहमान कह रहे हैं होंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आप ये करते हैं कि देखिए कम से कम भी हुए ना, यानी अगर मैं कहूं मेरे नंबर को मैं तो 60% कह रहा था कि रिजेक्ट रहेंगे, लेकिन अगर आप इसको भी हाफ कर दें तो 30-35% तो रिजेक्ट होंगे ही होंगे। ये तो मतलब जारी बात है, केस टू केस वेरी करता है, किसी केस में कुछ थोड़ा सा ऑप्शन आपको मिल सकता है। दूसरा, मेरे प्यारे भाई हैं अजहर सिद्दीक साहब, बड़े भाई हैं मेरे, अगर वो ख्वाजा आसिफ की ये बात मानते हैं कि जी 8 महीने बाद रब्ता हो चुका था, तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब की पूरी बातें माने ना, वो तो इमरान खान साहब को ज़कात चोर भी कहते हैं, वो बात माने फिर आप? वो बात नहीं मानेंगे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने ये कह दिया था कि जी हमारा 8 महीने बाद रब्ता हो चुका था और फिर हम ये और वो पंजाब हमें मिलने की बात हो रही थी, तो वो बात अजहर सिद्दीक साहब हर प्रोग्राम में मेरे साथ ये बात करते हैं। लेकिन इससे आपको जो है वो आप समझते हैं कि इलेक्शन अगर ये इतनी बड़ी तादाद में जितने 60 आप कह रहे हैं 30% जो है रिजेक्ट होंगे, बाकी जो है 70% अगर 35-40% बहुत बहुत कम भी करें, लेकिन एक मैमथ एक्सरसाइज तो होगी ना, ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे उसके बाद जो है उसके अगर नहीं वहां से फैसिलिटेशन मिलती फिर आगे सुप्रीम कोर्ट बीइंग द हाईएस्ट फोरम एंड द लास्ट फोरम। इस पे मैं नहीं कह रही, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब भी कह रहे हैं, जस्टिस साहब जो है वो भी कह रहे हैं कि लगता है कि जैसे इलेक्शन जो है वो शायद डीरेल करने की जो है वो कोशिश हो रही है, जिस किस्म की इकदाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रहे हैं, डीरेल होता नजर आता है आपको? देखिए कुछ ऐसी कुवतें हैं जिनकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से ये डीरेल हो जाए, लेकिन वो कुवतें ना पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है और ना पाकिस्तान की अदलिया है। आपकी एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त जो है और अदलिया दोनों पुरअज़म है इंतखाबात को वक्त पर कराने के हवाले से। बिल्कुल जी। अच्छा साहब एक चीज, ये तो चले सारी चीजें जो है ये नजर आ रही
हैं, शायद रिलीफ भी मिल जाए, मिल जाना चाहिए, जहाँ जहाँ जो है वो गलत फैसले हुए हैं वहाँ मिलना भी चाहिए, और ऑब्वियसली आप लोग कंटेस्ट भी करेंगे, पर कुछ इस मुल्क की ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं। माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हैं वो ताल्लुकात पीएमएलएन के ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से ये कहा जाता था कि जी इन पे तो ता हयात क्रॉस लग गया है और ये आगे नहीं जा सकते। लेकिन उसके बाद पीटीआई ने जो है वो 9 मई का जो है वो वाकया हुआ, तो मजीद उनके लिए पीएमएलएन के लिए स्पेस जो है वो बनी, उन्होंने अपने ताल्लुकात बेहतर किए। मैं पहले तो सिर्फ हसन जो की बात में खैर पढ़ दूं, इस शादी भी एक कौन ना मर जाए या खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं है, यानी थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हफप। तो तू एक तरफ बात करें कि इलेक्शन कमीशन ये हो गया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से जो ये कहा जा रहा है ना कि पता नहीं एंटी एस्टेब्लिशमेंट इस हद तक चली गई है, फौज के खिलाफ सवाल ही नहीं पैदा होता, आई डोंट थिंक सो। किसने कहा है? बिल्कुल जहां कहीं हालात ऐसे बनेंगे मुल्क के साथ जाने के, तो मुल्क के साथ खड़े होंगे, याद रखिएगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सवाल ये है क्या कौम जो 85 का प्रोजेक्ट जो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के सर में बन के आया, एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया उसको, और उस आदमी को उठाकर वो देखिए कैसा निजाम है, जुल्फकार अली भुट्टो जैसा जिसको आप गद्दार कहते हैं उस मुल्क से निकल ना सका, और नवाज शरीफ जिसको हम कहते हैं कि जनाब ये मुहब्बे वतन है, इसको निकालते भी है फिर वापस ले आते हैं, निकालते भी है फिर वापस ले आते हैं, और अभी सिस्टम का चहिता बना फिरता है। खुदा रहा ये चहितों में से निकल आए, मुल्क के लिए सोचे, और मुल्क का सोचने का एक ही हल है कि साफ शफाफ इलेक्शन कराए, जो जिसका राइट जो कौम जाना चाहती है, यानी मैं और आप बेबिरा कोई फैसला बदले वाला तो नहीं है, ये बात बड़ी वाजे है। हमें चार चीजें अब तय कर लेनी चाहिए, यानी ये जो इलेक्शन कमीशन जिसकी बात कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन तो अब डब को डाउट रह गया, मुझे कहने की क्या जरूरत है, पूरी दुनिया कह रही है कि ये बायस है, और ये पीडीएफ और सुबह खासतौर पर मुस्लिम नूर का सहूलत कर रहा है, उन्हीं के लगाए गए बंदे इंटायर गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है, उन्हीं के लगाए गए बंदे हर जगह ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे हैं, कहीं किसी जगह, और आप अभी हम नहीं बात कर रहे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है, ये बाकी भी बातें, और जब देखा कि हालात ऐसे हैं कि बिल्कुल ग्राउंड में लगा लिया, दीवार के साथ लगा लिया, लोग आए नहीं, उनका ख्याल था नॉमिनेशन पेपर नहीं आएंगे। अजहर सदीक ने बिल्कुल ठीक कहा कि नवाज शरीफ को 3 मरतबा वजीर आजम बनाया गया, वो खुद नहीं बना बल्कि उसे बनाया गया, और 4th मरतबा अब फिर उसको बनाने की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। मगर मैं पूछता हूं कि पहले 3 बार नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बन के कौन से तीर मार लिए जो अब वो 4th मरतबा मारेगा? पहले भी उसे मुल्क से निकाला जाता रहा, फिर बुलाया गया, फिर निकाला गया। हम पाकिस्तान के साथ क्या इसी तरह के तजर्बे करते रहेंगे, या आवाम को भी हक देंगे कि वो अपनी मर्जी से अपने वोट के जरिए अपने पसंदीदा नुमाइंदे चुन सकें? अजहर सदीक ने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले तो इनका ख्याल था कि ये पीटीआई के तमाम कारकुनान को डरा लेंगे, धमका लेंगे, और पीटीआई का कोई टिकट लेने वाला ही नहीं होगा, जैसा कि ये कह रहे थे, मगर ये तो सब उल्टा पड़ गया, क्योंकि पीटीआई के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार सामने आए हैं। अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें, यही वजह है कि ये अब हमारे कागजात मुस्तरद करवा रहे हैं, मगर वो भी हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल से सिलेक्ट करवा लेंगे, क्योंकि तमाम कागजात के ऊपर किसी किस्म के कोई ख़ास एतराज़ात नहीं लगाए गए। अब इन्हें ये खौफ अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि अगर इलेक्शन के मैदान में पीटीआई आ गई तो पीटीआई का मुकाबला कोई भी जमात नहीं कर सकेगी। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।